A big round of applause for an outstanding finals game here. I think both the teams played remarkably well to reach to the finals. और आज finals के अंदर किसी एक side को ये trophy उठानी थी and unfortunately for SCC वो आज ऐसा नहीं कर पाए, but congratulations PLCC for playing marvelous cricket throughout the tournament here. बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था इन दोनों ही टीमों ने. फाइनल्स में पहुंचना T25 सीजन 1 के इतना आसान नहीं था. कुछ बहुत मजबूत टीमें इस लीग को खेल रही थी, विश टाउन यूनाइटेड हो, वाओ जिम हो, इन सबसे पार पाकर ये दोनों टीम्स फाइनल्स के अंदर पहुंची थी. टाइम हो चला है आज के स्कोर कार्ड का. बेहतरीन टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था एससीसी के कप्तान योगी ने. उम्मीद थी उन्हें कि 180 के आसपास उनकी टीम स्कोर कर पाएगी और इस फाइनल को वो एक रोमांचक स्थिति में ले जाने में कामयाब होंगे. बट hats off to the tremendous and disciplined bowling by PLCC ke unko 128 all out kiya matra 18.5 overon mein 25 over ke is game ke andar. unfortunately SCC aaj pura bat nahi kar payi, kuch mahatvapurna yogdan zarur rahe. abhe 18 run 23 ballon mein, 11 run 9 ballon mein jubil ke dwara, aur kyunki 128 ka score hai uske alawa sirf ek aisa ballebaaz hai jisne ant tak ये फाइट जारी रखी है. एससीसी की तरफ से एक मार्वलस इनिंग खेली है अहमद ने. 66 रन 43 बॉल में. जब तक अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि अगर पूरे 25 ओवर अहमद खड़े रह जाएंगे तो ये स्कोर 170-180 तक जाएगा और बहुत कांटे का मुकाबला आज फाइनल्स में देखने को मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली अहमद उस फेरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं कर सके. 128 पे ऑल आउट हुई एससीसी. हमेशा की तरह ही आज हमें पीएलसीसी अधिकतर 5 बॉलर से ही अपना गेम खत्म कर लेते हैं. आज एक्सेप्शन कुछ हुआ है, 6 बॉलर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. तो 6 बॉलर्स में से 4 बॉलर्स को सफलताएं मिली हैं. अतिन सिक्का 4 ओवर 22 रन 1 विकेट. ये सचिन करवासरा 2 ओवर 26 रन 1 विकेट. ये एंड शिवम भार्गव, क्या कहने इस एथलीट के, क्या जबरदस्त खेल दिखाया है. कप्तान भी है पीएलसीसी के थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बैट और बल्ले से चमत्कार किया है. आज भी पीछे नहीं रहे, 3 ओवर 21 रन 2 विकेट. जवाब में उतरी पीएलसीसी की टीम, सदियों की शुरुआत. बाकी तो बताओ. अब वो भी आई. सॉरी, आई मिस्ड वन. आई बेग योर पार्डन गाइस, आई मिस्ड द बिग वन. आज का जो स्टार है इस पूरे मैच का, मैं उसी का नाम लेना भूल गया. माय अपोलॉजीज. 3.5 ओवर 22 रन 6 विकेट. हरेंद्र नाम है इस खिलाड़ी का और इन्होंने बॉल पे लिखवाया है लेगा. जवाब में उतरी पीएलसीसी की टीम को जरूरत थी कि एक सदी हुई शुरुआत मिले. एससीसी ने बेहतरीन पावर प्ले बॉलिंग डाली जिसके चलते ऋषभ गुर्जर अपना अकाउंट नहीं खोल पाए, लेकिन ऋतिक मिश्रा का अच्छी इनिंग खेली है. उनकी टीम ने 50 बॉलें खेलने में तालियां भी बड़ी जोरदार बजाई थी. 51 बॉलों में 30 रन, एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरी पारी इस मैच के अंदर. ऋतिक 11 रन बनाए 10 बॉलों में मोहन सिंह ने, जिन्होंने जबरदस्त विकेट कीपिंग भी की है. आकाश अधुवंशी 16 रन 22 बॉलों में और विक्रम यादव ने नाबाद 36 रन 21 बॉलों में. विक्रम ने बड़े अच्छे फिनिशिंग टचेस भी दिए इस मैच को और इनकी खूबसूरत पारियों के चलते पीएलसीसी ने बहुत आसानी से इस मैच को जीत लिया. पावर प्ले में बहुत जबरदस्त बॉलिंग जरूर की है एससीसी ने. राहुल सिंह बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, बड़े अच्छे इनस्विंग बॉलर है. आज भी उनकी इनस्विंग बॉलों को खेलने बैट्समैन को बड़ी परेशानी हुई. इकोनॉमी उनकी बता रही है किस लेवल के वो बॉलर है. 4 ओवर 13 रन 1 विकेट. राहुल सिंह. निखिल 3.3 ओवर 35 रन, थोड़े महंगे साबित हुए, 1 विकेट उन्हें प्राप्त हुआ. अखिल 2 ओवर 12 रन 1 विकेट. बट एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला है इस बंदे ने एससीसी की तरफ से, रजत वाडी 5 ओवर 26 रन 3 विकेट. Now guys, which brings us to the 4 awards that we have per match. T25 हो या T20 हो, फील्डर और फील्डिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी मैच की आउटकम के अंदर. आज अगर हम बात करें इस फील्डर की जिसने लगातार 3 डिसमिसल्स में अपना योगदान दिया है, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग की है. टुडे फील्डर ऑफ द मैच इज मोहन सिंह. मोहन सिंह द फील्डर ऑफ द मैच गाइस. भाई
नाउ कमिंग टू द बॉलर ऑफ द मैच। इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने ये नियम सोचा था, बनाया था कि देयर इज गोना बी वन ट्रॉफी पर पर्सन, बट कभी कभी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं और वो एथलीट सबको पार पाके उन ट्रॉफीज के ऊपर अपना नाम दर्ज कर लेता है। आज का बॉलर ऑफ द मैच द इजीएस्ट पिकिंग फॉर मी हरेंद्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग स्पेल ऑफ हरेंद्र योगी, बॉलर ऑफ द मैच, बॉलर ऑफ द मैच हरेंद्र, गाइस अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। खुद ही उठा लिया, नाउ कमिंग टू द दमदार परफॉर्मर ऑफ द मैच which is equivalent to the man of the match from the losing side। uska yogdan aisa hota hai jaise jeetne wali team ke man of the match ka hota hai। ek shandar spell dala rajat wadi ne zarur, lekin given in the context of the overall game jis tarah ki bowling ho rahi thi, jis tarah ka attack tha aaj plcc ka, ek aisi pari jisne isko is score ko sammanjanak sthiti tak pahunchaya। today's fighter of the match is ahmed for his outstanding knock out। shivam priti jhanda for the trophy, danda performer of the match in today's finals guys। ahmed what an outstanding knock। Now coming to the big one, it was again easy picking for me। आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी है स्कोरबोर्ड को काट छाट करने की, देखने की। जैसा कि मैंने बताया था, एक एथलीट कई बार ऐसी परफॉर्मेंस दे जाता है कि उन ट्रॉफीज के ऊपर अपना नाम वो किसी भी शक की गुंजाइश छोड़ता नहीं और दर्ज करा लेता है। और आउटस्टैंडिंग नॉक और एससीसी की बैटिंग की कमर तोड़ देने के लिए 6 विकेट लेकर के जिसने अपनी टीम को आज यहां जीत दर्ज कराई, हरेंद्र इज द मैन ऑफ द मैच गाइस। हरेंद्र मैन ऑफ द मैच, गाइस टाइम फॉर द मेडल्स। इससे पहले कि हम टूर्नामेंट ट्रॉफीज की तरफ बढ़े, बड़े बड़े अवार्ड्स की तरफ बढ़े, आई वुड रिक्वेस्ट दोनों टीम के कप्तानों को पहले बारी बारी से कि वो अपनी टीम के प्लेयर्स को यहां पर इनवाइट करें और मेडल्स दें। योगी द रनर ऑफ स्वॉट टुडे इन टुडेस फाइनल्स गाइस, कुड यू प्लीज देयर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योगी। योगी कुड यू प्लीज हैंड ओवर द मेडल्स टू योर। चलो भाई आप वन बाय वन आओ 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 सब आओ। सम्मान लेना, सम्मान क्या गोप्रो भाई, वो चलो चलो भैया भैया क्या कर रहे हैं। एक और मीनू पहला मेडल है क्या दान में तो वाले उनको तो पहना सारे पहना दे सारे माइकल फिलिप्स फिलिप्स नहीं फिलिप्स प्लीज इनवाइट फिलिप्स द विनिंग कैप्टन शिवम भार्गव टू कॉल इट प्लेयर्स वन बाय वन गाइस। शिवम द कैप्टन ऑफ दिस टूर्नामेंट हुज लेड हिज साइड रिमार्केबली वेल इन दिस टूर्नामेंट दे आर कम ऑन वन बाय वन वेरी वेरी वेल प्लेड टीम पीएलसीसी, यू हैव डोमिनेटेड दिस एंटायर टूर्नामेंट थ्रू आउट। आपने खाली एक मैच हारा इस पूरे की पूरी लीग स्टेज के अंदर और इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में छाए रहे आप। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस डिस्प्ले ऑफ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्ले बाय पीएलसीसी। Now guys coming moving forward to the tournament awards, the three tournament awards that we have with us। Shivam the captain, may I please request your attention।
Now moving on to the three tournament awards that we have for this tournament, this series, starting with T25 और T20 की गेम आजकल ऐसी हो गई है कि बॉलर्स की चारों ओर पिटाई होती है और बॉलर्स के पास ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। T25 हो या T20, बॉलर्स के ऊपर बैट्समैन हावी रहते हैं, बट एक ऐसा बॉलर जिसने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, गाइस वुड यू बिलीव इट, 25 ओवर्स की इस पूरी सीरीज में मात्र 5 की इकोनॉमी और 8 की एवरेज से 16 विकेट लिए हैं। द बॉलर ऑफ द सीरीज अनडाउटेडली इज हरेंद्र योगी। योगी पूरी टीम जानता हूं, बॉलर ऑफ द सीरीज, बॉलर ऑफ द सीरीज गाइस हरेंद्र, बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द सीजन, इससे ज्यादा अच्छी इकोनॉमी नहीं है और इससे बेहतर एवरेज नहीं है किसी भी बॉलर की इस सीजन में। अरे नाउ गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज, देयर इज अ टाई। एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने 5 इनिंग्स के अंदर 241 रन ठोके हैं 60 की एवरेज से और 165 की स्ट्राइक रेट से। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम सेमीफाइनल्स के अंदर, अब सेमीफाइनल से फाइनल में अपनी जगह नहीं पहुंचा पाई थी, आज वो भी यहां पर है भी नहीं, बट द बैट्समैन ऑफ द सीरीज दो लोगों के बीच में टाई हुआ है। जो अगला बैट्समैन है वो छाया रहा है और इस सीरीज में, और ना सिर्फ इस सीरीज में बल्कि शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज तक की फास्टेस्ट 90 मारी थी अपने पहले ही मैच में। सो देयर इज अ टाई बिटवीन बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीरीज रोहित बंसल फ्रॉम विस्टन यूनाइटेड एंड शिवम भार्गव फ्रॉम पीएलसीसी। शिवम भार्गव गाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बॉक्स को दूसरी मिलेगी ना। गुड बॉय। एंड नाउ द बिग वन, मैन ऑफ द सीरीज का मतलब ये होता है कि इस एथलीट ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से अब बाकी सारे एथलीट्स के ऊपर ये हावी पड़ा इस पूरी की पूरी श्रृंखला में, जहां टोटल हर एक टीम ने तकरीबन 5 से 6 लीग मैच खेले इस पूरी सीरीज में। कुछ बेहतरीन टीम्स थी नोएडा की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया व्हाइट ड्रेस रेड बॉल श्रृंखला को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैन ऑफ द सीरीज बैट से और बॉल से इस पूरी सीरीज में छाए रहे और अंत में अपनी टीम को जीत के पार भी ले गए। द बेस्ट कैप्टन ऑफ द सीरीज एज वेल अनडाउटेडली फॉर हिज इमेंस विकेट्स एंड बेहतरीन बेहतरीन नॉक्स, शिवम भार्गव इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मैन ऑफ द सीरीज गाइस, शिवम भार्गव के बारे में आपको बताऊं तो लगातार 2 मैचेस में उन्होंने बॉलर्स की बखिया उधेड़ दी थी। एक तरफ थी टी बॉयसेस जिसके कप्तान आपके सामने खड़ा है, हमारे पास कोई जवाब नहीं था जब इन्होंने 90 मारे थे उस विजय पथिक स्टेडियम में, और 91 और उसके बाद सेकंड ई लीग के मैच के अंदर इन्होंने चिल्ला में, जो कि बहुत स्लो विकेट है जहां बल्लेबाजों को बैटिंग करने बड़ी परेशानी होती है, वहां पर भी एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था। सपने आते रात में, हम कभी नहीं बोलने देते। एंड ऑन दैट नोट गाइस, मैं नाउ प्लीज रिक्वेस्ट द रनर अप ऑफ T25 सीजन 1, उनके SCC के कप्तान योगी को की प्लीज आगे आए और अपनी रनर्स की ट्रॉफी ले। योगी बॉन गाइस, रनर्स अप T25 सीजन 1, वेरी वेरी वेल लेड योगी, प्लीज कुडी प्लीज कम ओवर, आ जाओ आ जाओ भाई। यंगेस्ट कौन है? आ जाओ यार, अभी हो गई है रख ले, चेहरे हटेंगे भाई, बीच रख लो ना, नीचे नहीं सामने ऊपर उठ के यार, कितने बैठ गए। एंड नाउ द बिग वन, आज शानदार खेल सीरीज में, थ्रू आउट द सीरीज शानदार खेल दिखाए थे, इसलिए मैं ज्यादा इनका समय नहीं लूंगा, ट्रॉफी को उठाने के लिए इनके हाथ बुलबुला रहे होंगे। मैं नाउ प्लीज रिक्वेस्ट कैप्टन ऑफ पीएलसीसी शिवम भार्गव, चैंपियंस ऑफ T25 सीजन 1 पीएलसीसी गाइस।
अभी मौजूद हैं यहाँ पर एससीसी के कप्तान योगेश चंद्र तिवारी, फाइनलिस्ट हैं T25 सीजन 1 जहाँ बेहतरीन टीमों के बीच मुकाबला था। फर्स्ट ऑफ ऑल योगी कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट टू द फाइनल्स, एंड आई थिंक देखिए फाइनल्स में भी एक साइड होता है, अनफॉर्चूनेटली आज आपका नहीं था। मेरा चेहरा नहीं आया जब हम ओपन करने गए थे, बॉल जो अच्छा मूव हो रहा था तो पहले राहुल वो इंपॉर्टेंट है अभी खेलने गया तो मेरे को भी अरे भाई इधर से तो इनिशियली थोड़ा सा हमने प्रेशर ले लिया, क्या कहते हैं आगे क्या कहते हैं अहमद और बॉल की अकेले फोटो दिया था, पर हमें पता है कि हमारी बैटिंग में कुछ ही प्लेयर है जहाँ पे रिलाय कर सकते, बाकी बैट्समैन है बट उनको स्टेबिलिटी एंड माइंड सेट नहीं है स्टेबिलिटी के साथ खेलने वाले। एंड सडनली वी देयर वाज अ हैट्रिक विच हैपेंड, हैट्रिक और थ्री बॉल विद अ वन वाइड, वहाँ पे मैच थोड़ा सा खराब हो गया। आई थिंक इट वुड हैव लॉस्ट 150, इट वुड हैव बीन अ यू नो अ टफ गेम फॉर देम। बॉलिंग में जब हम आए तो बॉलिंग के टाइम में फिर ये था कि आई मीन आई एम नॉट अ रेगुलर कीपर, आई केप्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ रेगुलर कीपर, तो स्टार्टिंग में तो सही आगे पकड़ ली गई थी, पर बाद में कुछ कुछ बॉलें जैसे 2-4 चले गए थे मेरे बायस में, तो वो एक थोड़ा सा खटका। फिर बाद में हमारा जो इनके बैट्समैन ने 50 मारा उसका कैच कॉटन बोल में छूट गया, वो कैच भी छूट गया, बट लास्ट में जो वो एक लेग पे कैच बना था हमारा उसने दीपक से छूट गया, ही वॉज नॉट एबल टू जज द बॉल आउट देयर, तो वो भी एक फैक्टर था कि जज करते वो फोर रुकता, तो दैट वॉज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली लॉस्ट द मैच, अदरवाइज वो कैच हो जाता, 7 विकेट गिर जाती है, ओनली इट वुड हैव कम टू शिवम एंड यू नो ही वुड हैव प्लेड यू नो वेरी टफ इनिंग। तो ये था But having said all that, I think you were anyways 42 short, or were you comfortable? I mean, obviously, आप 128 पे comfortable तो नहीं हैं। We cannot be comfortable at 128, but we, if we would have scored around 160, I mean, then we would have really made the hardest decision out there. It happened same with the Bishtong United. They were not able to defend against our body attack out there. We know we had a good spinners out there. But the bowling strength we had, also the pitch was also different. It was the first time we were playing. We were not clear like what kind of a bowler we could have played. There's one bowler Kushagra also, that's a left arm medium pacer out there. We could have got him as well. So we were totally unaware about this pitch. All the people said like it's a batting track, but we knew, you know, the batting track also changes when you are playing the second slot or third slot out there. It becomes a problem because it just starts coming off out there. So this was also one of the thing. If we would have played a match before, we would have capitalized and have a better strategy. Same as having said all of that, I know what SSC is doing, but obviously you guys have played tremendously well, and hence you are there standing in the finals. So, after all, such a game, you know, at home.
All and I know the kind of batsman and the kind of bowling attack you have. But मुझे लगता है कहीं कहीं that you know bowling में अभी कहीं कुछ plug loopholes हैं जहाँ पे जिनको भी gap को कम करना पड़ेगा. Because bowling looks sorted. The bowling looks sorted, but then when it comes to batting, do you really think that you know it's pretty heavily dependent on you and bowling? See, the team is going through a reform out there. Earlier we used to have Sriram, who was our previous captain out there. So middle over got its stability rehti thi. He would not lose his wicket out there. Now the thing is like me, Tariq and Rahul, we are the old the three players who take up on the charge in the starting over. So if you see our past couple of matches out there. So in 5 overs we are like 55 or 60 or in power play we score 56 years. And suddenly if we lose our wicket, then the team goes down. Like even in the previous match at the Cottage Arena, if you have seen, we were 72 for 2 and 110 all out. Everyone were didn't have that mindset ki, you know, you have to just play the inning out there. You are losing 5 wickets in 6 runs out there. So these are the things which will come with maturity. Obviously, and people will only get better from here, because the team is reshaping once again. I know you guys, I know this is long. Shan sab gaye and all the reform thing is happening on. Aap jo new players ke saath ki combination ka try kar rahe hain. So I'm dead sure that you know, given the kind of player pool that you have, I'm sure it is going to fall in place. और वो हो ही गया है बिकॉज़ ऑब्वियसली वी हैव लाइक 7 और 8 प्लेयर्स हु विल बी रेगुलर फॉर एसटीसी एंड बट देयर आर सम प्लेयर्स हु प्ले फ्रॉम अदर टीम्स एज़ दे हैव देयर ओन टीम एज़ वेल सो दैट इज द टाइम व्हेन यू नो द ऑर्डर विल गेट शफल्ड या सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन एंड फाइनल्स में आपने बेहतरीन मुकाबला खेला है पावर प्ले में डोमिनेट भी किया था गेम को राहुल सिंह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी डाली एज यूजुअल उनको रीड करना इतना आसान नहीं है आई मीन इवन एज अ न्यू कीपर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड एज वेल बट टुडे आई डिडंट लेट एनी सिंगल गो व्हेन आई वाज कीपिंग इन फ्रंट फॉर राहुल इट हैपेंड इन द लेटर स्टेज व्हेन माय बॉल पास इट पास आउट ऑफ द गेम सो एनी विच वे कांग्रेचुलेशंस5% रही बस इसको स्टॉप करके मैं वीडियो बनाऊंगा